हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इंग्लिश में ए टू एफ लेटर्स की रिकॉग्निशन कराऊंगी बाय पिक्चर्स। आपको आपकी बुक में जो मीनिंग्स हैं आप उनको अच्छे से लर्न करेंगे और रीड करेंगे। एक एक लेटर के फोर फोर मीनिंग है, तो आपको सारे मीनिंग्स को अच्छे से रिकॉग्नाइज करना है। ठीक है, तो स्टार्ट विद मी। दिस इज ए। ए फॉर एप्पल, ए फॉर एरोप्लेन, ए फॉर एन, ए फॉर एग्स। एंड दिस इज बी। B for balloon, B for bat, B for banana, B for ball. And this C. C for cat, C for cup, C for car, C for cow. And this is D. D for dog, D for drum, D for doll, D for duck. And this is E. E for elephant, E for egg, E for eyes, E for ear. And this is F. F for fish, F for flag, F for frog, F for friend. आज मैंने आपको इंग्लिश में ए टू एफ लेटर्स की रिकॉग्निशन करा दी है विद पिक्चर्स। तो जो आपकी बुक्स में है मीनिंग्स आप उनको अच्छे से लर्न करेंगे। और आपको होमवर्क में क्या करना है कि आपको पिक्चर्स बनानी है हिंदी में अ टू रिसीव और इंग्लिश में ए टू एफ। इन सारे लेटर्स की पिक्चर्स बनानी है, उनके आगे आपको लेटर्स लिखने हैं और जो पिक्चर्स होगी आपको उस पिक्चर से रिलेटेड लेटर को रिकॉग्नाइज करना है और उसके आगे सर्कल करना है। जैसे यहाँ हमारा बना है आ से आम, तो इसके नीचे ओ ई उ आ लिखा है, तो आ से आम हमारा ये होता है, तो इस पे हमने इसको सर्कल कर लिया। सेम ये हमारा बना है अ से अनार, तो यहाँ पे आ ई उ अ लिखा है, तो अब हमारा अ से अनार कहाँ है ये, तो हमने इस पे ऐसे सर्कल कर दिया। इसी तरीके से आपको सिक्स सिक्स पिक्चर्स बनानी है, उसके आगे लेटर्स लिखने हैं और जो पिक्चर्स बनी है उसके लेटर्स को रिकॉग्नाइज करके उसके आगे आपको सर्कल करना है। यही आपका होमवर्क है हिंदी और इंग्लिश में। ओके, थैंक यू।